भागवत सुनने से क्या होता है? एक बात बताएं, सारा सब कुछ सुनने से ही होता है। सब कुछ क्या होता है? सुनने से। आपको गुस्सा कब आता है? जब आप गालियां सुनते हैं। सुनना आया ना? जब आप गालियां सुनेंगे, अपना अपमान सुनेंगे तो गुस्सा आएगा। अच्छा, आप बहरे हैं और कोई आपको गालियां दे रहा है, आपको गुस्सा आएगा? तो पूरी फसाद की जड़ कौन है? कान। बोलो हाँ या ना। कानों से हम सब चीजें सुनते हैं। अच्छा सुनो, आप गालियां सुनते हैं तो क्या आता है जोर से? क्रोध, गुस्सा आया। अब दूसरा कनेक्शन बता दूं कान का। आप किसी स्त्री और किसी पुरुष के बारे में गंदी गंदी बातें करने लग जाएं तो सुनने से आपके अंदर काम वासना जागने लग जाएगी। हाँ या ना? सुनने से ही हो रहा है ना सब। सुनने से क्रोध भी आया, सुनने से काम भी आया, काम क्रोध, और सुनने से अरे उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, तो आपके अंदर सुनने से क्या आया? जोर से बोलो मेरी माँ, क्या आया? लोभ आया? आया तो कान ही फसाद की जड़ है कि नहीं? कान ही काम जगाता है, कान ही लोभ जगाता है, कान ही क्रोध जगाता है। इसलिए कहता हूं, कानों से ही यदि आप भागवत सुनने लग जाएं, भगवान की चर्चा सुनने लग जाएं, तो क्या बढ़ जाएगा, क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? कानों से गालियां सुनी तो क्या आया? क्रोध। कानों से धन दौलत के बारे में सुना तो क्या आया? लोभ। कानों से किसी स्त्री पुरुष की गंदी बातें करी सुनी तो क्या आया? काम। और कानों से कथा सुनेंगे तो क्या आएंगे? हृदय में राम आ जाएंगे, श्याम सुंदर, भक्ति आ जाएगी, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। तो कान से काम क्रोध लोभ भी प्रवेश करता है और कानों से भगवान भी प्रवेश करते हैं। अब आपको निर्णय करना है कि कानों को कहां लगाना है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बोल रहे हैं आपको, कोई किंतु परंतु हो तो आप पूछ लेना। कानों से ही जागती हैं चीजें। आप किसी के बारे में सुने ही ना तो कुछ नहीं है, सुनेंगे तो मन जाएगा, चंचल होगा। आप किसी स्त्री के बारे, अरे वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो पुरुष बहुत सुंदर, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तब मन वहां जाएगा, सुनेंगे नहीं तो मन, मन कहते हैं चंचल है, पर मन भी इंद्रियों के अधीन होता है। यदि आंख देखे ना और कान सुने ना तो मन चंचल हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना। प्रैक्टिकल समझो, जो हम सुना रहे हैं कथा नहीं सुनाएंगे कि अब सुन लिए, एक ध्रुव जी थे, एक प्रहलाद जी थे, उनको भगवान मिले, कथा खत्म। समझने की कथा होती है, समझो, और वो समझ करके उसे अप्लाई करना, चरितार्थ करना, ठीक है? तो कान से आपने सुना नहीं, अच्छा किसी को आपने देखा रास्ते में, आपको सोना ढेर सारा पड़ा हुआ दिख गया, दिख गया, तो दिखने से क्या आ गया? जोर से लोभ आ गया, अरे उठा ले क्या? तुरंत आप अपने आप से बातें करेंगे, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, ये क्वेश्चन आएगा ना। फिर आप, फिर बाद में आपका निर्णय कि आप उठाएं ना उठाएं, वो बुद्धि का निर्णय चला जाएगा। लेकिन देखा किसने? आंखों ने। और देख करके तुरंत किसको सूचना दी आंखों ने? लोभ नाम के व्यक्ति को। आंखें लोभ महाराज से जुड़ी रहती हैं, कान लोभ का ही चट्टे बट्टे हैं दोनों। आंख ने तुरंत लोभ को सूचना दी, सोना सोना पड़ा उठाए,
नहीं किसी का होगा। अरे कहाँ नहीं, कलयुग चल रहा, कहाँ ईमान, तुम ही ईमानदार बनोगे, सब तो बेईमान उठा लो तुम। देखो ऐसे आप अपने आप को ऐसे समझाते हैं, जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो एक बार आपका मन, एक बार आपकी अंतरात्मा जरूर आपसे कहती है ये गलत है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सबकी अंतरात्मा एक बार कहती है ये गलत है, लेकिन आप उस अंतरात्मा को नहीं सुनते, और वही आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। जिस आवाज को आपने सुनकर अनसुना कर दिया, और बाद में आप कहते हैं अरे हमने गलत काम किया तो भगवान ने रोका क्यों नहीं, अरे रोका था, तुमने माना ही नहीं, तुम माने ही नहीं। तो कान का कनेक्शन भी है लोभ से, और आंख का कनेक्शन भी है, हाँ या ना। आंख का कनेक्शन किससे है, इस धन को देखा आंख ने तो किसको सूचना दी, जोर से, लोभ को। और किसी सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष को देखा आंख ने तो किसको सूचना दी, काम को, वासना को, काम जगाती है ना आंख। सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई तो बार बार आदमी उसे देखता, सुंदर पुरुष दिखाई पड़ गया बार बार उसे देखता है, उसको देखकर उसके अंदर क्या जाग रहा है, काम। तो आंख ने किसको सूचना दे दी, धन को देखकर लोभ को सूचना दिया, और स्त्री पुरुष को देखकर काम को सूचना दे दी, किसने, आंख ने। ये तुम्हारी आंख तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रही है। बोलो हाँ। और यदि आंख ने देख लिया कि आपके बेटे को किसी ने मारा है तो आंख किसे सूचना देगी, जोर से, आंख किसे सूचित करेगी तुरंत, जोर से बोलो मेरी माँ। कितना साइंटिफिक समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल साइंस है ये, प्रत्यक्ष है ये, प्रैक्टिकली ज्ञान है। बोलो हाँ या ना। यदि आपके बेटे को किसी ने मारा और आपकी आंखों ने देख लिया तो तुरंत वो देखी आंख किसे सूचना देगी, किसको, क्रोध को। तो कान का संबंध भी तीन से था और आंख का संबंध भी तीन से है। तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के दो गुप्तचर विशेष हैं, एक आंख और एक, इसलिए आंख संभालो। और हाँ, इसलिए कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और तीसरी फसाद की जड़ है जिह्वा, मुंह। आप जब बोलते हैं ना कुछ भी बोल जाते हैं, इसलिए विचार करके बोला करो, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है, यही समुन्द्र के वह मोती है जिनसे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। अरे आपकी वाणी ही बताएगी कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं और कितने विद्वान हैं। आपका शरीर नहीं बताएगा कि आप कितने मूर्ख और विद्वान हैं, आपकी वाणी जब खुलती है तो पता चलता है कि आप कितने मूर्ख और कितने, क्यों जी। आप चुपचाप खड़े रहें तो आपको देख के कोई नहीं बता सकता कि आप मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं। जब आपकी वाणी खुलती है तो आपकी वाणी के बोलने चालने के ढंग से आदमी समझ लेता है कि कितना पढ़ा लिखा हो, कितना लंठ है, मूर्ख। बोलो हाँ, सही है। इसलिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। तीन पर कंट्रोल, 1 2 3, तीन पर कंट्रोलिंग आ गई। अच्छा, आंख ने देखा तो आंख ने क्रोध जगाया, आंख ने लोभ जगाया, आंख ने काम जगाया, पर यही आंख यदि भगवान को देखने लग जाए ना तो यही आंख भक्ति भी जगाती है। जो बुरी है वो अच्छी भी है, बस आपको उपयोग क्या करना है, अच्छा या। हर चीज में अच्छाई और बुराई है, आपकी आंख में भी अच्छाई और बुराई है, आपके कान में भी अच्छाई और बुराई है। अब आप उसका यूज क्या करते हैं, अच्छाई का उपयोग करते हैं या आप उसके बुरे का यूज करते हैं, आप पर निर्भर करता है।
ठीक है। अब आपकी वाणी, आप चाहें तो अच्छा बोलकर किसी को खुश भी कर लें, और आप चाहें तो अपनी वाणी से किसी को दुखी भी कर दें, और आप चाहें तो इसी वाणी से भगवान के गीत गा गा करके, अरे मीराबाई भगवान के गीत गा गा करके भगवान को पा लिया कि नहीं। ये वाणी है साहब, ये भगवान को भी रिझा लेती है। बताओ वो कौन है जिनकी वाणी बिगड़ने से सर्वनाश हो गया? वो कौन है जिनका जिनकी वाणी बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ गया? चलो ऐसा समझो, किसकी वाणी बिगड़ी तो बहुत कुछ बिगड़ा? उत्तर किसका किसका? द्रौपदी। द्रौपदी की क्या बिगड़ गई वाणी? क्या कह दिया? अंधों के अंधे होते हैं, और जब अंधों का अंधा होता कहा, वाणी बिगड़ गई। और केवल द्रौपदी की नहीं, और सुनो, दुर्योधन की भी वाणी बिगड़ गई अपनी भौजाई के लिए। भौजाई समझते हैं, भाभी मीन्स भौजाई, अपनी भौजाई द्रौपदी दुर्योधन की कौन लगती है? बड़े भाई की पत्नी है ना, तो भाभी हो गई, गांव की भाषा में भौजाई कहते हैं। तो दुर्योधन अपनी भौजाई को क्या कह रहा है, अपनी भाभी माँ को क्या कह रहा है? आजा मेरी गोद में बैठ जा। क्या बिगड़ गए? जोर से, शब्द बिगड़ गए, वाणी बिगड़ गई। हाँ, तीसरा, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण ने क्या बोला था द्रौपदी को? तेरे पांच पांच हैं, छठा मुझे बना लो। क्या कहा था? हाँ, इस बात को कहे हुए 5,500 साल हो गए, अभी तक सब कोई जानता है। संसार युग बदल जाएंगे साहब, समय बदल जाएगा, पर तुम्हारे शब्द कभी ना बदलेंगे। जो कह दिया वो अमर हो गए, इसलिए जरा कहने के पहले समझ लिया करो क्या कह रहे हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी है कुछ भी ना, टर 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 करते रहा करो, जो कुछ भी बोलता उन्हीं को मेंढक बना के भेजते हैं भगवान, बारिश में जाके टर 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 चिल्ला रहे हैं। संभल कर बोला करो। तो द्रौपदी के बिगड़े शब्द, वाणी बिगड़ गई तो महाभारत हुआ, दुर्योधन के शब्द बिगड़ गए सर्वनाश हुआ। फिर आप लोग भी, मेरी माँ कुछ भी ना बोल दिया करो, मुंह फट ना बनो, विचार करके बोला करो। सास को भी कुछ ना बोला करो, बहू को भी कुछ ना बोला करो, पति को भी कुछ ना बोला करो, पत्नी को भी कुछ ना बोला करो। बोलने के पहले विचार कर लो, तुम बोल करके तो कल एक हो जाओगे, पर एक होने पर भी बोला हुआ शब्द लोग 2 साल बाद भी याद रखेंगे तुमने तब ऐसा बोला था। बोलो याद रखते हैं कि नहीं? सास बहू ने आज झगड़ा कर लिया, कल एक हो जाएंगी, लेकिन बोला हुआ शब्द 10 साल बाद याद रहेगा कि सास ने ऐसा कह दिया था। पति पत्नी बोल के एक हो जाओगे, पर 10 साल बाद याद आएगा तुमने ऐसा कहा था, याद करो। उस बात को लेके भी झगड़ा हो सकता है कि तुमने ऐसा कह दिया था। बोलो हाँ या ना? इसलिए बोलो ही मत ना, जब एक होना है तो बोलना, विचार के बोलो। ठीक है मेरी माँ, चलो अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। कान, बुरा किसने बुरा सुना तो विनाश हुआ। बुरा बोला द्रौपदी ने तो महाभारत हुआ, बोलने का कह रहे इसलिए बोला ना करो। अब कान की बात चल रही है, वो कौन है जिसने सुना गलत तो सुनने से बहुत कुछ बिगड़ गया? बताओ जल्दी भैया, बताएंगे आप? चलो आप बताओ, चश्मा वाले भैया बैठे बैठे बताओ, बिल्कुल परेशान होना नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है कि हम आपसे देना ही पड़ेगा आंसर, नहीं, आप अपने विवेक से बोलो। कौन था वो जिसके कान बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ गया? आप बताओ। हाँ आप बता दो, आप बताओ मेरी माँ। कैकई। कौन? कैकई माँ के क्या बिगड़ गए? कान। किसने बिगाड़े? मंथरा ने। कैकई माँ के क्या बिगड़े? कैकई माँ के क्या बिगड़े? कान बिगड़े। तो कान बिगड़ने से क्या हुआ? राम जी का वनवास और पति की
मृत्यु और पुत्र भी रूठ गया भरत जी। किसके कारण? माता कैकेयी का ऐसा कान बिगड़ा कि कान बिगड़ने से नाम बिगड़ गया। आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या लाख मिल जाएंगी आपको। क्या बिगड़ गया बोलो मेरी माँ, जो आप लोग दिन भर चुगली सुनती रहती हो ना पड़ोसियों की पड़ोसन की, क्या मिलता है तुम्हें? कान बिगाड़ के अपना विनाश करोगी, ज्यादा चुगली ना सुना करो किसी की। अरे कोई कैसा है हमें क्या करना, कोई कैसा है हमें क्या लेना देना, तुम चूल्हे में जाओ हमें क्या करना। हमारा पड़ोसी बुरा है तो है बुरा, हमें क्या करना भाई। हमारा पड़ोसी अच्छा है तो अच्छा है, हमें क्या करना। ना हमें किसी की बुरी से मतलब रखना चाहिए, ना हमें अपने से मतलब रखो ना। हम कैसे हैं इस धरती पर, सबसे बुरा कौन है आप बताओ, ओनली आप सबसे बुरा कौन है? मैया आप सबसे बुरा कौन? भैया बताएंगे पीछे वाले, आप बैठे हैं आगे बैठे हैं, पीछे से सबसे आगे बताओ कौन सबसे बुरा है आप बताओ। पीली मैया बताएंगी, मैया बता पीली साड़ी वाली मैया सबसे बुरा कौन है? हाँ ये भैया बताएंगे, आप बताओ सबसे बुरा कौन कौन हा? कौन पड़ोसी सबसे बुरा कौन है? सबसे इस धरती पर सबसे बुरा हूं मैं मींस हम। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुराई देखनी है तो पड़ोसियों की नहीं स्वयं की देखो, हम स्वयं कितने बुरे हैं। उन बुराइयों को उन कमियों को समाप्त करो और आप एक अच्छे इंसान बनो। हमें क्या करना कि तुम कैसे हो, हमें आपसे एक लाभ, हम क्या चलो आप बहुत अच्छे हैं तो भी हमें क्या करना आपसे, और आप बहुत बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना, हम कैसे हैं? हम अपने को देखें, आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, अंतर्मुखी बने बहिर्मुखी नहीं। ठीक है तो कान किसके बिगड़ गए जोर से, कान किसके बिगड़ गए? माता कैकेयी के कान बिगड़ गए तो क्या हो गया? बहुत कुछ बिगड़ गया हाँ या ना। तो आप भी मंथराओं के मुंह मत लगा करो। कैकेयी माता मंथरा के मुंह लग गई तो बिगड़ गए कान। लो अब रो रही है माता कैकेयी, अब रोने से क्या होगा? जंगल जाके पंचवटी कैकेयी चित्रकूट में माता रो रही है, राम जी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया। कर दिया तब तो समझाया था दशरथ जी ने, मैं जी ना पाऊंगा राम के बिना, तुम गलत निर्णय ले रही हो कैकेयी। नहीं मैं सही कह रही हूं। इतना गजब का कान भरा मंथरा ने, पति के सुनने को तैयार नहीं। इसलिए ऐसे मंथरा जैसे लोगों से बच के रहना वरना सर्वनाश होगा। ये जो तुम आप मेरी माँ दिन भर निंदा चुगली सुनती और सुनाती हो ना, कोई लाभ नहीं है, संभल जाओ, बहुत बड़ी क्षति होती है, इतिहास साक्षी है, देख लेना कभी उठाकर। चलो अब तीसरी बात करते हैं, किसकी आंख बिगड़ी? मुंह बिगड़ा द्रौपदी का, कान बिगड़े माता कैकेयी के, और मुंह किसका, आंख किसकी बिगड़ी? जोर से बोल दो मैया। हो गई पंचायत मेरी माँ, कर लो थोड़ी और। अच्छा बताओ किसकी आंख बिगड़ गई? हाँ पीली मैया बताएंगी फिर से, आंख किसकी बिगड़ी थी बताओ बेटा, आप बताओ किसकी बिगड़ी आंख? सिंपल है ये तो, रावण। मैया किसकी आंख बिगड़ी? रावण ने माता सीता को अपनी गंदी आंखों से देखा, और जिसकी आंख बिगड़ती है पराई नारी को देखकर उसका सर्वनाश होता है, होता है। रावण की आंख बिगड़ गई, सर्वनाश, सर्वनाश समूल नष्ट हो गया। रहा ना कोकुल रोवनिहारा, एक लख पूत सवा लख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती।
इसलिए आंख ना बिगड़े। तुम भी बहुत देखते हो किसी किसी को, किसी किसी को ऐसे ना देखा करो किसी किसी को, वरना वही हाल होगा जो रावण का हुआ है। अपनी पत्नी में मस्त रहा करो, अपनी पत्नी अपने परिवार में खुश रहा करो, अपने पति में खुश रहा करो। ना तुम पराई पुरुष को देखो, ना तुम पराई स्त्री को देखो। यदि देखोगे तो उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। हाँ या ना? इसलिए तो तीन चीज संभाल लोगे, ये तीन चीज संभल गई तो तीनों लोक के राजा बना दिए जाओगे। ये संभाल लो तीन चीजें। साहब पीएचडी करना सरल है, पीएचडी करना सरल है, अपनी आंखों को संभालना कठिन है। पीएचडी सरल है, अपने कानों को संभालना कठिन है। पीएचडी सरल है साहब, अपनी वाणी को संभालना कठिन है। ये संभल गई तो आप इंसान ना रहोगे, इंसान के रूप में दुनिया तुम्हें भगवान कहने लग जाएगी। यदि तीन पर कंट्रोल आ गया तो, तीन पर कंट्रोल आ गया तो आप क्या बन जाएंगे? जोर से जोर से। ये संसार आपको भगवान की तरह पूजेगी, तीन पर कंट्रोल आ गया तो। और तीनों में एक से भी पतित हो गए तो गली गली पुतले जलाए जाएंगे तुम्हारे, है ना? इसलिए संभल जाओ।